हेलो दोस्तों, आप सारे व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से इस पर्टिकुलर वीडियो में टेस्ट नंबर 15 करेंगे। हमारे ऑफिशियल यूपीपीसीएस टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 15 है ये। हमारे पेड ग्रुप में ऑलरेडी कंडक्ट हो चुका है, आपको दोनों फाइल मिल चुकी होंगी, क्वेश्चन और आंसर वाली अलग अलग। इसमें हम देख लेते हैं कि क्या क्या यहाँ पर सोल्यूशन है। अगर एक दो टाइपिंग की एरर रह जाती है तो यहाँ पर हम लोग रेक्टिफाई उसको कर लेंगे, ठीक है। तो 15 नंबर टेस्ट का हमारा पहला क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हंगुल। आपको बता दें, जितने भी टेस्ट होते हैं टाइम प्लान के हिसाब से होते हैं, आपको पूरा टाइम प्लान बना के दिया जाता है कि कौन कौन से सब्जेक्ट से क्या क्या चीज़ें जो है पूछी जाएगी। पार्ट वाइज टेस्ट होता है यूपीपीसीएस का फुल लेंथ, जिससे आपकी पूरी एक समय की तैयारी की परख होती है। तो टाइम प्लान के हिसाब से है, जैसे टाइम प्लान में एनवायरमेंट दिया होगा तो एनवायरमेंट से ज़्यादा क्वेश्चन होंगे। इसमें पूछा है कि हंगुल से बताइए। हंगुल से क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2018 में भी आया था। हंगुल में बताना है, पहला स्टेटमेंट है कि जबरावन रेंज जो है वेस्टर्न हिमालयस की, यहाँ पर ही पाया जाता है। और दूसरा है कि इसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की शेड्यूल 1 यानी अनुसूची 1 में रखा गया है। और तीसरा है कि जो 15 स्पीसीज हैं हाई कंजर्वेशन प्रायोरिटी पर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिस्ट बनाई है, उसमें इसको शामिल किया गया है। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है? तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं लिखा हुआ है, सही है। तीनों ही स्टेटमेंट हंगुल के बारे में करेक्ट हैं, ध्यान रखिएगा। हमारी टेस्ट सीरीज बाइलिंगुअल होती है, यहाँ पर क्वेश्चन आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखे हुए देखने को मिल जाते हैं। मैं यहाँ पर केवल एक ही लैंग्वेज रीड करता हूँ, वरना वीडियो बहुत लंबा बन जाया करता है। तो हंगुल ये देखिए, आपको पूरी डिटेल यहाँ पर मिल जाएगी। और अट्रैक्टिव पिक्चर्स भी लगाना शुरू कर दिया है, देखिए हंगुल को आप देख सकते हैं, पिक्टोरियल मेमोरी अच्छी होती है उसके लिए। अगला हमारा क्वेश्चन है कि अब आप प्रजाति को पहचानिए, आइडेंटिफाई द स्पीशीज। इसको आप नेपाल में, इंडिया में और पाकिस्तान में देखेंगे, ठीक है। एक्सटिंक्ट हो चुका है ये बांग्लादेश में। इसको आप आंध्र और पंजाब में देखेंगे, मतलब आंध्र और पंजाब में राजकीय पशु के रूप में देखेंगे। मेल्स जो हैं ये लैकिंग को एक स्ट्रैटेजी के रूप में अपनाते हैं, मेल्स को गार्नर करने के लिए, यानी कि उनको अट्रैक्ट करने के लिए, सहवास यानी कि मेटिंग के लिए। तो लैकिंग आपको नहीं बताया तो बता देते हैं, ऐसा एक झुंड बन जाया करता है यहाँ। फिर मेल्स जो होते हैं यहाँ पर खड़े होते हैं, फीमेल्स यहाँ पर थोड़ा सा बाहर की तरफ रिंग में, और यहाँ पर फिर होता है एक प्रदर्शन कह सकते हैं कि कौन ज़्यादा स्ट्रांग है। तो जब सबसे ज़्यादा स्ट्रांग मेल होता है, जिसको अल्फा मेल कहा जाता है, उसको ये फीमेल फिर चूज कर लेती है मेटिंग के लिए, ठीक है। तो ये होता है यहाँ पर आपका लैकिंग। तो मेल्स लैकिंग को अपनाते हैं। तो कौन सा हम जानवर की बात कर रहे हैं? तो हम लोग बात कर रहे हैं सलमान खान के फेवरेट ब्लैक बक के बारे में। ब्लैक बक के तीनों जो हैं आपके फीचर्स हैं। अगर आपको यही पता होता कि आंध्र प्रदेश और पंजाब का स्टेट एनिमल है तो आप इसको बता सकते थे। अब देखिए, इसमें इसके सारे फीचर्स दे रखे हैं कि कोई जो है मिस चीज़ ना हो जाए, इसलिए। अब यही फिर आपका हिंदी में भी है, और फिर यही फिर आपकी ये काले हिरण की ये पिक भी लगी हुई है, कंप्लीट है ये पूरा हमारा टेस्ट सीरीज। अगला हमारा क्वेश्चन है कि अब आप स्पीसीज को पहचानिए। ये वल्नरेबल में आती है IUCN की रेड लिस्ट में, और कार्निवोरस क्रिएचर इसमें पाए जाते हैं, जैसे कि जेलीफिश, स्नेल्स, कार्ब्स और श्रिम्प्स, ठीक है। मतलब ये कार्निवोरस ये जेलीफिश, स्नेल्स, कार्ब्स को खाता है, और इसका मीट के लिए, शेल के लिए और लेदर के लिए इसका शिकार किया जाता है। और नेस्टिंग साइट्स इसकी पाई जाती हैं देवी रिवर माउथ पर, रूशिकुल्या रिवर पर और अस्तरंगा कोट पर। तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं ऑलिव रिडले टर्टल्स के बारे में, ठीक है। ऑलिव रिडले कछुआ, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही है। ये सारे के सारे फीचर्स हैं ऑलिव रिडले टर्टल के, जो हमारा अभी हॉकी विश्व कप हुआ था 2018 में भुवनेश्वर में, उसका मैस्कॉट बनाया गया था ऑली, यानी कि ऑलिव रिडले कछुआ। तो ये देखिए, सारे के सारे फीचर सब दिए हुए हैं इसके, और फिर देखिए कछुए की तस्वीर भी होगी यहाँ पर। ये है ऑलिव रिडले कछुआ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि इट इज़ इंडेंजर्ड इन IUCN रेड लिस्ट। IUCN की रेड लिस्ट में ये इंडेंजर्ड की कैटेगरी में है। करेंटली जो पॉपुलेशन है इसकी इराविकुलम नेशनल पार्क और ग्रास हिल्स जो है अन्नामलाई के, वहाँ पर देखी जाती है। शेड्यूल 1 यानी कि अनुसूची 1 है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की, उसमें इसको शामिल करा हुआ है। अडल्ट मेल जो है लाइट ग्रे या फिर कह सकते हैं सैडल अपने अपनी पीठ पर डेवलप कर लेते हैं, जिनको सैडल बैग्स भी इसलिए कहा जाता है। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं नीलगिरी ताहर के बारे में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो नीलगिरी ताहर का ये सब फीचर लिखा हुआ है, ठीक है। शेड्यूल 1 में है, स्टेट एनिमल है तमिलनाडु का, ऑफ कोर्स ये एक बार आया भी था एग्जाम में। तो ये है आपका नीलगिरी ताहर, ये है नीलगिरी ताहर। आप देख रहे हैं ये सैडल इसके ऊपर, ये काफ़ी पिक्टोरियल भी रखते हैं इसको, जिससे आपको ध्यान रहे। अगला क्वेश्चन है कि मैच करना है कि कौन सी जगह पर कौन सा आपका स्पीसीज मिलेगी, ठीक है।
तो यहाँ पर ऑलिव रिडले आपको कहाँ पर मिलेगा, होप आइलैंड जो है कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का वहाँ पर, और फिर आपका ये डी हंगुल कहाँ पर मिलेगा, डचिगम में, ये आया था UPBCS में। नीलगिरी तहार आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, ये आपको देखने को मिलेगी मुकुर्ती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, और ब्लैक बक कहाँ पर देखने को मिलेगा, पॉइंट कैलीमेर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। ठीक है, तो इस तरीके से आप मैच करेंगे, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर मार्क कर लीजिए। अगला हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर कि आप घड़ियाल के बारे में बात करिए। ठीक है, घड़ियाल आपको क्या सांभर झील में देखने को मिलेंगे, क्या ये वल्नरेबल कैटेगरी में रखा गया IUCN में, और क्या ये 1972 के वाइल्ड लाइफ एक्ट के अनुसूची एक में रखा गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सी, यानी कि थर्ड ओनली, इसको रखा गया है आपके वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 की अनुसूची एक में। ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है आपके IUCN की लिस्ट में, वल्नरेबल नहीं है। मेल घड़ियाल जो है इसकी एक डिस्टिंक्टिव स्नाउट होती है, ठीक है, जिसको छोटी सूंड कहते हैं, और अर्थनवेयर पॉट जैसी लगती है, इस वजह से इसको नाम मिला है घड़ियाल, यानी घड़े जैसा इसका स्नाउट होता है। तो दिखा देते हैं घड़ियाल को, घड़ियाल आपने देखा होगा जू वगैरह में, मतलब ऐसे कहाँ देखेंगे, ये है घड़ियाल आपका, ये है घड़ियाल। ठीक है, आगे हमारा क्वेश्चन है कि अब हम बताइए कि लॉयन टेल्ड मकाउक जो है उसके बारे में गलत कथन कौन सा है, क्या ये ह्यूमन फ्रेंडली है, और क्या हम इसको पाल सकते हैं, क्या ये कुड्रेमुख नेशनल पार्क में मिलता है, क्या ये वनरेबल कैटेगरी में रखा गया IUCN की रेड लिस्ट में। अब देखिए छोटे छोटे स्टेटमेंट, अब इसमें हिंदी मत मांगिएगा, इसमें क्या हिंदी में ये मिलेगा, नेशनल पार्क में, वनरेबल में है IUCN की लिस्ट में, और क्या हम इसका पालन कर सकते हैं, बस सिंपल सा है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए और थ्री, यानी कि ये गलत है, हम डोमेस्टिफिकेशन नहीं कर सकते, और IUCN में वल्नरेबल में नहीं है, ये इंडेंजर्ड की लिस्ट में है, ये है, और कुंड्रेमुख नेशनल पार्क में मिलेगा, ये बात हालांकि सही है। तो ये सेम चीज़ फिर हिंदी में भी लिखी हुई है, आप देखेंगे ये है आपका लॉयन टेल्ड मकाक। अब एक और क्वेश्चन हमारा स्पीसीज से, फिर आइडेंटिफाई करिए स्पीसीज को, क्या हमने इसको IUCN की रेड लिस्ट में रखा गया है, रखा है इंडेंजर्ड की कैटेगरी में, क्या ये हैवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड है, और क्या ये रोलपाडू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि आंध्र प्रदेश में वहां पर देखने को मिलेगा। तो यहां पर आपका सही ऑप्शन है डी, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और हैवीएस्ट फ्लाइट बर्ड है, ये एसोसिएटेड हैं जहाँ पर ब्लैक बक रहते हैं वहाँ पर ये रहती है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड में है, ये सब यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर दिखा देते हैं इसको, ये है आपकी बर्ड। अब आगे बढ़ते हैं, रेड पांडा के बारे में बताइए कि कौन सा यहाँ पर इनकरेक्ट है, क्या रेड पांडा सिक्किम का स्टेट एनिमल है, क्या ये बैम्बू खाता है बांस, और क्या ये कंचनजंगा और नामदफा नेशनल पार्क में ही पाया जाता है, और क्या IUCN की क्रिटिकली इंडेंजर्ड की लिस्ट में है। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर नॉट करेक्ट है रेड पैंडा के बारे में, तो यहाँ पर सी नॉट करेक्ट है, यानी कि ये इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्ट है, मतलब ये सिक्किम का स्टेट एनिमल है, ये खाली सही है, बाकी इसको IUCN की इंडेंजर्ड की लिस्ट में रखा गया है, ये ध्यान रखिएगा। और क्या क्या खाता है, बैम्बू के अलावा एग्स भी खाता है, मतलब चिड़ियों के इंसेक्ट भी खाता है, तो हम लोग कह सकते हैं ओमनीवोरस है ये, और सिक्किम में, वेस्ट बंगाल में, अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। अब रेड पांडा दिखा देते हैं आपको, ये है आपका रेड पांडा। अब बताना है कि करेक्टली मैच्ड कौन सा है, जो क्वेश्चन है उसका काला वाला ध्यान से पढ़ा करिए कि आखिर में करना क्या, काफ़ी लोग ये गलती कर देते हैं कि ये डायरेक्शन नहीं पढ़ते हैं, डायरेक्ट ऑप्शन पे आ जाते हैं। करेक्टली मैच्ड इनमें से कौन सा है, तो थ्री और फोर सही मिलाया गया है, फॉक्स टेल ऑर्किड ये स्टेट फ्लावर है अरुणाचल प्रदेश का, और केरला का स्टेट एम्बलम मतलब जो प्रतीक है उसमें जो दो एलिफेंट हैं स्टेट और नेशनल इंसिग्नियास की रक्षा करते हुए दिखाए जा रहे हैं। तो अब यहाँ पर इसका आंसर देख लेते हैं सही सही क्या है, ये देखेंगे आप, ये फॉक्स टेल ऑर्किड जो है ये फ्लावर है अरुणाचल प्रदेश का, और ये स्टेट एम्बलम है केरल का, ये देखिए ये जो है प्रतीक, इसको बचा रहे हैं दो हाथी। आगे हमारा क्वेश्चन है कि चिंकारा के बारे में आप बताइए कि कौन सा यहाँ पर करेक्ट है, तो चिंकारा के बारे में करेक्ट है कि ये एक शाई एनिमल है, ठीक है, यानी शर्मीला है, और ह्यूमन हैबिटेशन से दूर रहता है, जहाँ ह्यूमन रहते हैं वहाँ नहीं जाता है, और जो है वाटर के बिना रह सकता है काफ़ी लंबे समय तक, और मतलब जो प्लांट से जिसको फ्लूड मिलता है वहीं से, और जो ओस होती है उसको चाट के जिंदा रह सकता है, और ये स्मॉलेस्ट एशियाटिक एंटीलॉप है, यानी कि सबसे छोटा एंटीलॉप, सबसे छोटा हिरण। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर टू थ्री फोर सही है,
ये जो है ये IUCN के रेड लिस्ट में, जैसे इसको इंडेंजर्ड कहा गया है, ये इनकरेक्ट है, ये लीस्ट कंसर्न में आता है चिंकारा। ठीक है, तो चिंकारा हम देख लेते हैं क्या है। ये है आपका चिंकारा, ये है स्मॉलेस्ट एंटीलॉप। अगला हमारा क्वेश्चन है कि आप स्टेट एनिमल जो है नागालैंड का और अरुणाचल प्रदेश, ये है, इसको पहचानिए। और साथ ही साथ ये वल्नरेबल लिस्ट में भी है IUCN की, और ये सैक्रिफिशियल एनिमल है, यानी कि जो कुछ जो आपके सैक्रिफाइसेस होते हैं, बलि चढ़ाई जाती है सोशल कल्चरल सेरेमनीज में, वो है ये इंडिया, चाइना, म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश में आपको देखने को मिलेगा। क्या है ये? ये है आपका गयाल। गयाल को मिथुन भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ जो ये IUCN में है, सेमी डोमेस्टिक है, यानी कि जो है पालन कर सकते हैं कुछ हद तक। अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में पाया जाता है, और बल्कि इन दोनों स्टेट्स का स्टेट एनिमल भी है, राजकीय पशु है, और वाइल्ड इंडियन गौर जो है उसका ये वंशज माना जाता है। बाकी ये सब लिखा हुआ है, आइए इसकी तस्वीर दिखाते हैं आपको। ये है मिथुन या गयाल। हमको बताना है कि आप करेक्ट बताइए नील गाय के बारे में, ठीक है, ब्लू बुल के बारे में आप करेक्ट चूज करिए। तो पहला है कि ये लार्जेस्ट एशियन एंटीलॉप है, ठीक है। दूसरा लिखा है कि क्या ये इंडेंजर्ड में है IUCN की रेड लिस्ट में, और क्या ये स्टेट एनिमल है दिल्ली का। तो यहाँ पर आपका जो सही होगा वो होगा 1 और 3, ठीक है। जो पेड ग्रुप वाले हैं यहाँ पर एक करेक्शन कर लीजिएगा, बी में 1 और 3 होगा। ये लार्जेस्ट एंटीलोप है, ये स्टेट एनिमल भी है दिल्ली का, लेकिन ये IUCN की रेड लिस्ट में इंडेंजर्ड की कैटेगरी में नहीं है, ये है लीस्ट कंसर्न है, यानी कि अभी बहुत है, खूब मारो काटो, अभी नहीं ज़रूरत है इनकी, ठीक है। मतलब लिटरली ऐसा मत करिएगा ना, ऐसा सोचिएगा, लीस्ट कंसर्न का मतलब कि अभी उतनी कंसर्न की ज़रूरत नहीं है। तो ये है आपका नीलगिरी तहर, ये सॉरी नील का, ये है नील का, थोड़ा अजीब सा लगता है, हॉर्स गोट इसको कहते हैं कभी कभी, हॉर्स गोट एंटीलॉप है ये, थोड़ा अजीब सा लगता है ये। आगे हमारा क्वेश्चन है कि संगाई जो है, क्या ये एक इसकी प्रजाति मणिपुर में देखने को मिलती है केवल, क्या संगाई फेस्टिवल का नाम इसी के ऊपर रखा गया है, क्या संगाई केवल केबुल लमजाओ नेशनल पार्क में मिलेगा, और क्या 1972 के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत इसको शेड्यूल्ड 1 में रखा गया है। कौन सा यहाँ पर कथन यहाँ पर आपका सही है? तो 1, 2, 3, 4 चारों ही कथन यहाँ पर सही है संगाई के बारे में, ये ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। अब संगाई के सारे फीचर्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, केबुल लमजाओ नेशनल पार्क मणिपुर में देखने को मिलेगा, संगाई फेस्टिवल इसी के नाम पर रखा गया है, मणिपुर टूरिज्म डिपार्टमेंट इस संगाई फेस्टिवल बनाता है, ये आपको मार्शी ग्रासलैंड में देखने को मिलेगा यहाँ पर। अब ये संगाई आपको दिखा देते हैं क्या चीज़ है, ये है संगाई, ठीक है। अब आपको गौर के बारे में बताना है, यानी इंडियन बिशन, क्या ये गोवा का स्टेट एनिमल है, क्या इसको इंडेंजर्ड की लिस्ट में रखा गया है, क्या ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में पाया जाता है, और क्या ये एक्सटेंट बोवाइन है, लार्जेस्ट एक्सटेंट बोवाइन है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर सी, 1, 3, 4 यहाँ पर करेक्ट है, ये वाला यहाँ पर गलत है, ये वल्नरेबल की लिस्ट में है, ना कि इंडेंजर्ड की लिस्ट में, वल्नरेबल की लिस्ट में है। तो स्टेट एनिमल है लार्जेस्ट एक्सटेंट बोवाइन, ये ध्यान रख सकते हैं, नेटिव टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड साउथ ईस्ट एशिया। अब ये आपको दिखा देते हैं ये गौर कहाँ है, ये है गौर आपका, ठीक है, इंडियन मिशन। अगला क्वेश्चन है कि आप सेरो के बारे में बताइए, क्या ये स्टेट एनिमल है मणिपुर का, क्या ये बकरी जैसा या हिरण जैसा लगता है, और इसका जीनस है कैप्रिकॉर्निस, क्या ये मिशी हिल्स जो है असम में वहाँ पर पाया जाता है, और क्या ये पूर्वी हिल रेंजेस में पाया जाता है यूनान और शिजवान के, और क्या इसको इंडेंजर्ड में हमने रखा हुआ है IUCN की रेड लिस्ट में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है, यानी सेकेंड और थर्ड, ठीक है, यानी ये गोट जैसा लगता है कैप्रिकॉर्निस, इसका वो है मिशी हिल्स में पाया जाता है, पूर्वी जो आपकी पहाड़ी इलाके हैं यूनान और शिजवान के वहाँ पर पाया जाता है, लेकिन ये स्टेट एनिमल मणिपुर का नहीं है, और ना ही इसको इंडेंजर्ड में रखा हुआ है हमने। ये स्टेट एनिमल कहाँ का है? सिरो, ये मिजोरम का है, मणिपुर का नहीं, और ये नियर थ्रेटेंड में रखा गया है, ठीक है। तो ये है आपका, कह सकते हैं सिरो, ये है सिरो। अगला हमारा क्वेश्चन है कि आप करेक्टली मैच्ड बताइए, स्टेट को स्टेट एनिमल से मिलाना है हमको, ठीक है, कौन सा सही मिलाएगा। जैसे मिजोरम का तो सिरो है, हमने अभी देख लिया, और यहाँ पर आपका अरुणाचल प्रदेश का मिथुन भी है, गोवा का बिसन भी है, और वेस्ट बंगाल का फिशिंग कैट है, तो सारे के सारे यहाँ पर सही मिलाए गए हैं, ऑप्शन नंबर डी, इनको याद कर लीजिएगा, ठीक है। आगे हमारा क्वेश्चन है फाइंड आउट द स्पीशीज, अब आप यहाँ पर प्रजाति को पहचानना है,
स्टेट एनिमल है वेस्ट बंगाल का, मीडियम साइज्ड वाइल्ड कैट है साउथ और साउथ ईस्ट एशियन रीजन की, इसको वल्नरेबल लिस्ट में हमने रखा है। क्या है ये? तो ये क्या है, ये फिशिंग कैट है, क्योंकि हमने ऊपर ही देखा फिशिंग कैट यहाँ की स्टेट एनिमल है, तो ये है वल्नरेबल में है ये IUCN की, और स्टेट एनिमल है वेस्ट बंगाल का। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये आपको ब्रह्मपुत्र नदी घाटियों पर मिलती है डेल्टा रीजन में, ये है आपकी फिशिंग कैट, ठीक है। आगे हमारा क्वेश्चन है कि सांभर डियर जो है उसके बारे में बताइए, करेक्ट क्या है सांभर के बारे में? तो ये नॉक्टर्नल है, यानी रात्रिचर है, रात्रिचर। नॉक्टर्नल और डायर्नल में फ़र्क समझ लीजिए, नॉक्टर्नल का मतलब होता है रात्रिचर, और जो दिनचर होता है दिन में चलता है जो, उसको कहते हैं हम लोग डायर्नल, डायर्नल। तो यहाँ पर ये नॉक्टर्नल है और ये वल्नरेबल की लिस्ट में रखा गया है, ठीक है, IUCN की रेड लिस्ट में। ये स्टेट एनिमल राजस्थान का नहीं है और ये सांभर लेक के पास नहीं पाया जाता है, इस वजह से इसका नाम नहीं है। स्टेट एनिमल है सांभर ओडिशा का, ना कि राजस्थान का। नॉक्टर्नल और सॉलिट्री है, सॉलिट्री का मतलब क्या है कि झुंड में नहीं रहता, अकेले रहता है। सांभर दिखा दिया जाए आपको, ये है आपका सांभर। तो देख रहे हैं आप कैसे कैसे एंटीलॉप में छोटे छोटे डिफरेंस होते हैं, और हमारे लिए दूर से देखने पर एक हिरण ही होता है सब कुछ। अगला है फायर लीफ मंकी जो है, इसके बारे में आप बात करिए, क्या ये लंगूर की फैमिली से आता है, क्या ये स्टेट एनिमल है त्रिपुरा का, और क्या हमने इसको इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा है IUCN की लिस्ट में? तो हमारा यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा सी, यानी कि ये भी सही है, ये भी सही है, और ये भी सही है, कोई स्टेटमेंट यहाँ पर रॉन्ग नहीं है, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही। तो फायर स्लीफ मंकी यहाँ पर दिखा देते हैं आपको, ये है आपका फायर स्लीफ मंकी, त्रिपुरा का स्टेट एनिमल। अगला हमारा क्वेश्चन है, अब आपको स्टेट एनिमल से मिलाना है स्टेट को, करेक्टली मैच्ड है यहाँ पर बताना। जैसे त्रिपुरा का फायर स्लीफ मंकी दिया है, ये सही है आपका। फिर यहाँ पर J&K का हंगुल दिया है, ये भी सही है, और असम का वन हॉर्न ड्राइनो, ये भी सही है, ठीक है। लेकिन राजस्थान का सांभर नहीं है, सांभर किसका है? ओडिशा का है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि आप बताइए कि स्नो लिपॉर्ड जो है उसके बारे में क्या करेक्ट है? तो क्या ये स्टेट एनिमल है हिमाचल प्रदेश का? क्या बिश्केक डिक्लेरेशन में इसको प्रोटेक्ट करने की बात कही गई है? और क्या इसको हमने क्रिटिकली इंडेंजर्ड की लिस्ट में रखा हुआ है IUCN में? और क्या ये डचिगम नेशनल पार्क में पाया जाता है? तो 1, 2, 4 यहाँ पर सही है, ठीक है, 1, 2, 4। 3 इसलिए गलत है क्योंकि इसको वल्नरेबल में रखा है IUCN में, हमने इंडेंजर्ड में नहीं रखा है, ठीक है, बाकी यहाँ पर सही है। अब हम देख लेते हैं ये आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, ये है स्नो लिपॉर्ड आपका, हिमाचल प्रदेश का आपका स्टेट एनिमल। अगला है कि इंडियन पैराडाइज फ्लाई कैचर के बारे में बात करिए, क्या ये स्टेट बर्ड है हिमाचल मध्य प्रदेश की? क्या ये डोमेस्टिकेटेड की जाती है? और क्या घने जंगलों में नहीं देखने को मिलती है? और क्या इसका लोकल नेम दुधराज है या शाह बुलबुल है? और क्या हमने इसको IUCN की लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में रखा है? तो 1, 3, 4 यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है, 1, 3, 4 करेक्ट है। ये सेकंड वाला इसलिए यहाँ पर गलत है क्योंकि ये आपकी पैसराइन बर्ड है, इसको जो है आप नहीं रख सकते हैं मतलब डोमेस्टिकेट करके। ये थिक फॉरेस्ट और वुडेड हैबिटेट्स में रहना पसंद करती है ये, ठीक है, ये बर्ड। ऐसे यहाँ पर हिंदी में दिया हुआ है, आप दुधराज की तस्वीर देख लीजिए, ये है दुधराज, ठीक है। अब हमको स्पीसीज को आइडेंटिफाई करना है, प्रजाति को पहचानना है, ये वल्नरेबल कैटेगरी में रखी गई है IUCN के लिस्ट में। स्टेट बर्ड है जम्मू कश्मीर की, अब तो खैर मतलब स्टेट ही नहीं रहा जम्मू कश्मीर, लेकिन ये टेस्ट सीरीज उससे पहले बनाई गई थी। तो शेड्यूल्ड 1 में इसको रखा गया है, प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के में सरकार के द्वारा। टिब्बटन प्लेट्यू में पाई जाएगी और निर्जन इलाके जो हैं इंडिया और भूटान के वहाँ पर। क्या है ये? ये है ब्लैक नेक्ड क्रेन, ऑप्शन नंबर डी। मतलब अगर ये फीचर्स लिखे हैं सारे नहीं तो कम से कम 2 तो इसमें याद रखे ही जा सकते हैं कि ब्लैक नेक्ड क्रेन का ये फीचर है, ठीक है। तो ब्लैक नेक्ड क्रेन दिखा देते हैं आपको, अच्छा यहाँ पर मिलेगी, ये बता रहे हैं यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी ब्लैक नेक्ड क्रेन। ब्लैक नेक्ड क्रेन की शायद तस्वीर गूगल पे है नहीं, वरना आपको जरूर दिखाते इसमें। अगला हमारा क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द स्पीशीज, क्या ये स्ट्रिक्टली मरीन हर्बीवोरस एनिमल है? और क्या ये कोस्टल रीजन कोस्टल एरियास शैलो मीडियम डीप में पाया जाता है? क्या हम इसको सीकाऊ कहते हैं? और क्या हमने इसको IUCN की वल्नरेबल कैटेगरी में रखा है? हम किसके बारे में बात कर रहे हैं?
ये चारों फीचर जो हैं ये किस स्पीशीज के हैं? ये हैं डुगोंग के। ठीक है, डुगोंग, डुगोंग को दिखा देते हैं आपको। ये है आपका डुगोंग, इसको हम लोग कहते हैं सी काऊ। इंडियन रोलर के बारे में बात करना है कि हमने इसको इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा IUCN की लिस्ट में, क्या ये विष्णु भगवान के लिए पवित्र थी, पवित्र मानी जाती है? क्या ये आंध्र प्रदेश, ओडिशा, कर्नाटक, तेलंगाना की स्टेट बर्ड है? और क्या ये एरोबेटिक डिस्प्ले के लिए जानी जाती है ब्रीडिंग सीजन में, मतलब ये मेल जो है इसका, मेल मेल इसका जो पार्ट है, क्या ये एरोबेटिक डिस्प्ले करता है ब्रीडिंग सीजन में? कौन सा यहाँ पर करेक्ट है? तो 2, 3, 4 यहाँ पर करेक्ट है। एक्चुअली में लीस्ट कंसर्न में है, ठीक है, एंडेंजर्ड भी नहीं है, लीस्ट कंसर्न में। बाकी ये सही है, ये सही है, ये भी सही है। आपको दिखा देते हैं इंडियन रोलर। इंडियन रोलर ये है, ठीक है, ये है इंडियन रोलर। हमको मिलाना है यहाँ पर स्टेट को और स्टेट बर्ड से मिलाना है आपकी बार। तो कौन सा यहाँ पर सही मिलाया गया है इसके बारे में बात करनी है। तो कर्नाटक का स्टेट बर्ड ये इंडियन रोलर है, ये सही है। आपका J&K का ब्लैक नेक्ड क्रेन ये भी हमने देख लिया, सही है। हिमाचल प्रदेश की हिमालयन मोनल है, ये भी सही है। लेकिन राजस्थान की, सॉरी, यहाँ पर एक मिस्टेक है। एक्चुअली में ये राजस्थान की स्टेट बर्ड है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, हिमाचल प्रदेश की स्टेट बर्ड मोनल नहीं है, ये है उत्तराखंड की स्टेट बर्ड मोनल। ठीक है, हिमालयन मोनल जो है स्टेट बर्ड उत्तराखंड की है, ये ध्यान रखिएगा। तो हिमालयन मोनल की अगर कोई तस्वीर है तो हम आपको दिखा देते हैं। नहीं, अभी फ़िलहाल कोई इसकी तस्वीर मौजूद नहीं है। अगला है पब्लिकेशन और पब्लिशर, ठीक है, जो ये रिपोर्ट है और कौन इसको पब्लिश करता है उससे मिलाना है। ठीक है, गलत कौन मिलाया गया इसके बारे में बात कर रही है। जैसे यहाँ पर लिखा है ग्लोबल ह्यूमन कैपिटल रिपोर्ट, क्या ये ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट रिलीज करता है? गलत। और एम्प्लॉयमेंट प्रोटेक्शन इंडेक्स, क्या यूनेस्को जारी करता है? ये भी गलत। ह्यूमन कैपिटल रिपोर्ट ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पब्लिक करता है, और ह्यूमन प्रोटेक्शन इंडेक्स ये ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट जारी करता है। इन दोनों को फ्लिप कर दिया गया था। बाकी रीजनल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट ये IMF जारी करता है, और ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि आप बताइए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में कौन कौन से स्टेटमेंट यहाँ पर आपके करेक्ट हैं। तो यहाँ पर करेक्ट हैं आपके तीनों ही। इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1971 में एज ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में, और ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है पब्लिक प्राइवेट कॉपरेशन का, और जेंडर गैप रिपोर्ट भी WEF छापता है। लास्ट बार आई थी 2018 में, उसके बाद नहीं आई है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है, तीनों ही करेक्ट। अगला हमारा क्वेश्चन है ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ पर पहचानना है, ठीक है, तो और फिर यहाँ पर चूज करेक्ट करना है कि इसकी स्थापना हुई थी 1948 में मार्शल प्लान को एडमिनिस्टर करने में हेल्प करने के लिए। इसका हेडक्वार्टर क्या फ्रांस पेरिस में है, ठीक है। इंडिया एक मेंबर है लेकिन की पार्टनर नहीं है। एम्प्लॉयमेंट प्रोटेक्शन इंडेक्स ये जारी करता है। तो हमको पता है हम OECD के बारे में बात कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ऑप्शन नंबर बी। अगला हमारा क्वेश्चन है कि आप इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के बारे में बात करिए कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हो सकता है। तो यहाँ पर इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था जो ऑयल क्राइसिस हुई थी उसके बाद 1973, 1974 में जो तेल संकट आया था उसके बाद, और इसका हेडक्वार्टर क्या फ्रांस पेरिस में है। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक ये IEA जारी करता है। तो तीनों ही सही है, बिल्कुल तीनों ही सही है इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, डी यहाँ पर करेक्ट है। आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशन की ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी है UN की, और ये वर्ल्ड इनोवेशन इंडेक्स जारी करती है। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? तो हम बात कर रहे हैं विपो के बारे में। वर्ल्ड इनोवेशन इंडेक्स वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ऑर्गेनाइजेशन जारी करता है, और बाकी इसके बारे में चीज़ें गिवन है कि ये सेल्फ फंडिंग एजेंसी है, UN की स्पेशलाइज एजेंसी है, हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, और स्थापना 1967 में हुई है। अगला क्वेश्चन है कि आप बताइए एक बार फिर से इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के बारे में। तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, क्या इसको कभी नोबेल पीस प्राइज नहीं मिला? और ये लो इनरिच्ड यूरेनियम बैंक, मतलब इसका जो है लो इनरिच्ड यूरेनियम बैंक है ओस्किमम कजाकिस्तान में, और क्या ये हाई स्टैंडर्ड न्यूक्लियर सेफ्टी के लिए प्रमोट करता है? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है, दूसरा और तीसरा। इसको नोबेल प्राइज़ एक बार मिल चुका है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वियना में, ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना में। और इसको नोबेल पीस प्राइज़ कब मिला था? 2005 में।
बाकी ये लो इनरिच्ड यूरेनियम बैंक इसका ओस्किमम में है, ये भी सही है। अगला हमारा क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट IOR यानी इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के बारे में। अगर बात करें, पाकिस्तान इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का सदस्य नहीं है। IORA जो है ट्रेड और मेरीटाइम सिक्योरिटी से मतलब जो डील करते हैं, ये इनका लक्ष्य है। और IORA की मिलिट्री जो है मिलिट्री एक्सरसाइज क्या इंडियन ओशन में हुई थी अभी, तो हमारा यहाँ पर सही स्टेटमेंट होगा पहला और दूसरा। ठीक है, पहला दूसरा यहाँ पर करेक्ट है। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन की जो मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी ये अभी नहीं हुई है, ये 2018 में हुई थी। ठीक है, अच्छा सॉरी सॉरी, ये मिस्टेक है, मिलिट्री एक्सरसाइज तो हुई नहीं है आज तक, वो नेवी की एक्सरसाइज थी। ठीक है, नेवल एक्सरसाइज थी जिसमें 26 कंट्रीज ने भाग लिया था, 2018 सितंबर में जो हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि आर्कटिक काउंसिल के बारे में आप बात करिए। ठीक है, तो क्या इंडिया को अभी ऑब्जर्वर स्टेटस मिला है आर्कटिक काउंसिल में? सागर निधि जो है आइस क्लास वीजल है, जो रिसर्च सेंटर आइस क्लास वीजल रिसर्च सेंटर आर्कटिक रीजन में डेवलप किया गया है। और क्या यूनाइटेड किंगडम एक आर्कटिक काउंसिल का मेंबर है? कौन सा करेक्ट है यहाँ पर? यहाँ पर करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वन ओनली, ये वाला करेक्ट है। ये इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्ट है। एक्चुअली में ओटावा डिक्लेरेशन से आर्कटिक काउंसिल की स्थापना हुई है। इसका लक्ष्य लिखा हुआ है, फोकस एरियाज ये हैं, मेंबर्स इसके 8 हैं। इंडिया को अभी ऑब्जर्वर स्टेटस मिला है। आप देखेंगे इसमें यूके सदस्य नहीं है। आगे हमारा क्वेश्चन है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में हम बात कर रही हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या क्यूबा से होकर के गुजरती है? जायर रिवर जो है जिसको मतलब कॉन्गो में ये प्रोमिनेंटली जो है इक्वेटर को दो बार काटती है। ठीक है, जायर रिवर दो बार काटती है इक्वेटर को। तीन लाइन जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर, क्या ये अफ्रीका से पास होती हैं? तो हमारा सही ऑप्शन है सी, यानी कि फर्स्ट और मतलब सेकंड और थर्ड, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्यूबा से होकर के नहीं गुजरती है। ये आप देखेंगे 16 कंट्रीज का नाम जिनसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होकर के गुजरती है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, वो क्यों करेक्ट है ये लिखा हुआ है। अगला हमारा क्वेश्चन है, अच्छा ये मैपिंग भी है यहाँ पर, आप देखेंगे कि क्यों ये करेक्ट दिखाया भी गया है यहाँ पर, कौन सी लाइन गुजर रही है यहाँ पर। तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से गुजरती हुई ये दिखाई गई है इक्वेटर, और ऑप्शन थ्री करेक्ट है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये भी गुजर रही है आपकी अफ्रीका से, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ये भी गुजर रही है अफ्रीका से, और इक्वेटर 0 डिग्री ये भी गुजर रही है अफ्रीका से। तो तीनों लाइनें जो हैं अफ्रीका से होकर के गुजर रही हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि एलिफेंटा केव्स जो है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हैं, ये इनमें क्या है बेसिकली, प्रिडोमिनेंटली किसको डेडिकेटेड है? तो ये डेडिकेटेड है शिव को, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये सब दिया हुआ है और बाकी चीज़ें आप जानते हैं, हम डिस्कस भी कर चुके हैं प्रीवियस टेस्ट सीरीज में। आगे हमारा क्वेश्चन है कि अब आप गल्फ्स को नॉर्थ से साउथ लगाइए, जो खाड़ियाँ दी हुई हैं उसको नॉर्थ से साउथ लगाइए। तो इनका ऑर्डर बनेगा डी, यानी कि सबसे पहले सबसे नॉर्थ में रहेगा गल्फ ऑफ कच्छ, फिर आपका रहेगा गल्फ ऑफ खम्बात, फिर आपका रहेगा कि गल्फ ऑफ मार्तबन, और फिर गल्फ ऑफ ईडन। ठीक है, 2, 4, 1 और 3 ये ऑर्डर बनेगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, अच्छा ये आप पूरा देखिए, दिया अभी हुआ है गल्फ ऑफ कक्ष सबसे नॉर्थ में, फिर गल्फ ऑफ खम्बात, और फिर आपका गल्फ ऑफ मार्तबन, फिर गल्फ ऑफ ईडन। तो ये है ऑर्डर बनेगा। तो पूरा मैप से यहाँ पर समझाया गया है जिससे आपको फिर से जाकर के एटलस ना देखनी पड़े। कीपिंग द पॉलिटिकल ज्योग्राफी और ऑफ यूरोप इन माइंड, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज़, मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज़ कौन सा रहेगा? जेनेवा से पेरिस, मतलब जेनेवा से पेरिस जाएंगे तो आपको सबसे कम दूरी तय करनी पड़ेगी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब देखेंगे जेनेवा से पेरिस जाएंगे तो सबसे कम दूरी यहाँ पर तय करनी पड़ेगी, 540 किलोमीटर। और म्यूनिक से आप बुडापेस्ट जाएंगे तो आपको 683.5 किलोमीटर तय करना पड़ेगा। अगर आप जाएंगे यहाँ पर मैड्रिड से मिलान जाएंगे तो आपको करीब 1577.8 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। आप जाएंगे अगर रोम से ट्यूनिस तो आपको 1286 किलोमीटर जाना पड़ेगा। तो ये सब एक्सप्लेनेशन गिवन है। सत्तरिया जो है ये क्लासिकल डांस है असम का, और ये लिंगायत समुदाय से एसोसिएटेड है। गटका जो है ये मार्शल आर्ट का फॉर्म है मणिपुर का, और ट्रेडिशनल रॉड पपेट जो है ओडिशा में की जाती है, इसको पुटुल नाच बोलते हैं।
और भांड पाथर जो है एक ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म है हिमाचल प्रदेश का। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। तो यहाँ पर करेक्ट है आपका डी, यानी कि कोई भी यहाँ पर आपका करेक्ट नहीं है। ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। तो यहाँ पर आप देखते हैं कौन कौन सही है। सत्तरिया वाला स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि है तो ये असम का, लेकिन ये लिंगायतों से एसोसिएटेड नहीं है। जो कृष्ण भक्त हैं या फिर जो कृष्ण सेंटर्ड वैष्णविज्म है उससे रिलेटेड है सत्तरिया। गटका जो है ये पंजाब का है मार्शल आर्ट फॉर्म। भांड पाथर ये आपका कश्मीर का है, ठीक है। इस वजह से नन ऑफ द अबव यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, अच्छा ये गटका आप देखेंगे मार्शल आर्ट का फॉर्म है, ये सिख मार्शल आर्ट का फॉर्म है, ठीक है, सिख हिस्ट्री संबंधित है। पुतुल नाच जो है ये वेस्ट बंगाल का है, ना कि उड़ीसा का। सत्तरिया जो है ये वैष्णवों से संबंधित है, ना कि शैवों से और ना लिंगायतों से। तो आगे हमारा क्वेश्चन है कि इन दो मतलब कैपिटल के बीच जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रहेगा। तो ईटानगर और दिसपुर के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यहाँ पर रहेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए दिखा भी दिया गया है। तो सबसे कम समय और सबसे कम दूरी लगेगी 322.2 किलोमीटर की अगर आपको दिसपुर से ईटानगर जाना है, ठीक है। देखिए दिखा भी दिया गया है। अगला है कि विच कंट्री शेयर्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ बाउंड्रीज विद डिफरेंट कंट्रीज। तो कौन सी कंट्री जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ कंट्रीज से बाउंड्री शेयर करती है, ये है रशिया, ऑप्शन नंबर सी। तो रशिया जो है ये फर्स्ट लॉन्गेस्ट सेट ऑफ बॉर्डर्स है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नेशन है, ये करीब 14 कंट्री से बाउंड्री शेयर करता है जिनके नाम ये लिखे हुए हैं, ठीक है। आगे हमारा क्वेश्चन है, उससे पहले ये मैप आप देख लें अगर, तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि रशिया जो है किससे किससे बाउंड्री शेयर करता है। तो यहाँ पर देखिए दिखाया हुआ है, यहाँ पर देखिए दिखाया हुआ है कि ये किससे किससे 14 कंट्रीज से रशिया बाउंड्री करीब शेयर कर रहा है, ठीक है। तो आगे हम बढ़ेंगे, उसके बाद अलग अलग कंट्रीज का यहाँ पर दे रखा है कि किससे किससे बाउंड्री शेयर कर रहा है, सब पूरा मैप से यहाँ पर बताया हुआ है। तो पेड़ पालन देख लिया होगा इसको। टाइगर रिजर्व जो है ये एक इंटरनेशनल बाउंड्री काम करता है इंडिया और भूटान के बीच में। फिप्सू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है भूटान की, ये जो है नॉर्थ जो है टाइगर रिजर्व से, इससे जो है काफ़ी कॉन्टेजियस है। हम किस टाइगर रिजर्व के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम बुक्सा टाइगर रिजर्व के बारे में बात कर रहे हैं। ये पड़ता है आपका अलीपुर द्वार डिस्ट्रिक्ट में, वेस्ट बंगाल में, ऑप्शन नंबर सी। तो सेम चीज़ यहाँ पर आपके हिंदी मीडियम वालों के लिए भी गिवन है और मैप भी गिवन है कि कहाँ पर बुक्सा है, यहाँ पर देख ही दिखाया हुआ है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि अरेंज द फॉलोइंग रीजन्स लोकेशंस इन वेस्ट एशिया फ्रॉम नॉर्थ से साउथ। नॉर्थ से साउथ यहाँ पर लगाना है इन लोकेशंस को। तो इन लोकेशंस को लगाएंगे, सबसे पहले लेबनान आएगा, फिर आपका डमस्कस आएगा सीरिया की कैपिटल जो है, फिर आपका आएगा जेरूशलम जो इसराइल की कैपिटल है, और फिर आएगा कैरो या काहिरा जो कि इजिप्ट की कैपिटल है। आई होप मैप होगा यहाँ पर आपको अच्छे समझ में आएगा, ये देखें यहाँ पर, ठीक है। तो लेबनान और फिर आपका डमस्कस और फिर आपका यरूशलम फिर आपका कैरो। तो सबसे नॉर्थ में लेबनान, फिर आपका डमस्कस, फिर आपका यरूशलम, फिर आपका कैरो। तो इस तरीके से आपको करना था। अगला क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कि और आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट है। तो यहाँ पर आपका कोई भी करेक्ट नहीं है। इंडिया शेयर्स इस मैक्सिमम इंटरनेशनल लैंड बाउंड्री विद चाइना, ये गलत। बांग्लादेश के साथ करते हैं। असम जो है सबसे ज़्यादा नेबरिंग स्टेट से बाउंड्री शेयर करता है, ये भी गलत। आंध्र प्रदेश के पास सबसे ज़्यादा कोस्ट लाइन है, ये भी गलत। ये गुजरात के पास है और उत्तराखंड के तीन राज्यों से सीमा साझा करता है, यूपी, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। तो देखते हैं एक्सप्लेनेशन क्या है। ये देखिए, सबसे पहली बात ये है कि हम लोग जो सबसे ज़्यादा लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं बांग्लादेश के साथ, ये विकिपीडिया का डेटा है। सेकंड वाला इनकरेक्ट है, यूपी जो है 8 राज्यों से बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है। उसके बाद क्या था, ऑप्शन नंबर थ्री जो है इनकरेक्ट है क्योंकि लार्जेस्ट कोस्ट लाइन किसकी है, गुजरात की है। उसके बाद क्या है कि ऑप्शन फोर इसलिए इनकरेक्ट है क्योंकि ये देखिए हिमाचल प्रदेश से बाउंड्री शेयर कर रहा है, हरियाणा से शेयर कर रहा है, उत्तर प्रदेश से शेयर कर रहा है। अच्छा हाँ, उत्तर प्रदेश यहाँ पर हिमाचल प्रदेश से बाउंड्री शेयर करता है, लेकिन उत्तराखंड जो है ये हरियाणा के साथ बाउंड्री नहीं शेयर करता है, ये आपको देखना था इसमें। अगला क्वेश्चन है कि अगर हम शिमला से तिरुवनंतपुरम ट्रैवल करेंगे
तो हम ओरिजिन और डेस्टिनेशन स्टेट्स को मिला करके कितने राज्यों की यात्रा कर लेंगे? तो यहाँ पर 6 सही होगा आपका, 6, यानी कि अगर आप मिला दें जहाँ से जा रहे हैं, जहाँ से आ रहे हैं वहाँ तक, तो हम लोग 6 राज्यों से करीब गुजर जाएंगे। वो 6 राज्य कौन से होंगे? हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, केरल, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल। तो हो गए 6 ये कुल मिला करके। अब देखेंगे, ये भारत का मैप है, ठीक है, जम्मू कश्मीर इंटैक्ट है, यहाँ पर थोड़ा सा टुकड़ा हो गया है बस। अगला हमारा क्वेश्चन है कि अगर आप आर्कटिक सी वॉल्ट, आईकार और डीआरडीओ ने एक इंडियन सीड वॉल्ट डेवलप करी है जेनेटिक मटेरियल प्रिजर्व करने के लिए मेजर डिजास्टर के समय, ठीक है, मैन मेड नेचुरल डिजास्टर के समय इंडियन सीड वॉल्ट को प्रोटेक्ट करके रखा जाएगा, ये वॉल्ट कहाँ पर रखी गई है ये बताना है। तो ये वॉल्ट रखी गई है लद्दाख में, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पर मिलाइए नेशनल पार्क और जहाँ पर हैं ये नेशनल पार्क और उन नेशनल पार्क्स में कौन कौन से जो हैं पाए जाते हैं एनिमल, उससे यहाँ पर बताना है कि कौन सा सही मिलाया गया है। अनशी नेशनल पार्क, मुखुर्ती, बांदीपुर और बनरघट्टा। तो यहाँ पर आपका करेक्टली मैच है बी, यानी 1, 3, 4, ठीक है, अनशी सही मिलाया गया है, बांदीपुर सही मिलाया गया है, बनरघट्टा भी। मुखुर्ती में क्या प्रॉब्लम है? मुखुर्ती नेशनल पार्क में ये है कि ये तमिलनाडु में है और यहाँ पर नीलगिरी ताहर ज़्यादा देखने को मिलेगी, जबकि ऊपर क्या लिखा गया है कि ये जो है घड़ियाल, ये गलत है, यहाँ पर होना चाहिए नीलगिरी ताहर। अब यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को ईस्ट से वेस्ट की ओर लगाना है, जो सबसे ईस्ट में है उसको पहले रखना है। तो यहाँ पर ऑर्डर बनेगा 4, 2, 1, 3। तो आई होप मैप जरूर होगा यहाँ पर, तो मैप से ही हम लोग देखेंगे यहाँ पर क्या मामला चलेगा। ये देखिए, सबसे पहले रामदफा नेशनल पार्क ईस्टर्न मोस्ट, फिर आपका केबुल लमजाओ है, फिर आपका मुरलेन है, फिर काजीरंगा, फिर रामेरी, फिर आपका मानस, फिर आपका ये सब, ठीक है, आपका नहल गांव जो है ये ट्विन सिटी है किसके साथ? नहल गांव ये ट्विन सिटी है ईटानगर के साथ, ऑप्शन नंबर डी। ये देखिए ईटानगर और ये नाहरलागुन। अगला हमारा क्वेश्चन है कि ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी को वेस्ट से ईस्ट की तरफ लगाइए, यानी कि जो सबसे वेस्ट में उसको पहले रखेंगे, सबसे ईस्ट में उसको बाद में। तो यहाँ पर हमारा क्रम बनेगा आपका एक हिसाब से, यानी कि सबसे वेस्ट में रहेगी कामेंग, फिर रहेगी धनसिरी, फिर रहेगी आपकी सुबनसिरी, फिर लोहित। तो इनको लगा देते हैं, आई होप मैप होगा यहाँ पर जिससे आपको और क्लैरिटी मिलेगी। तो ये यहाँ पर मैप दिखाया गया है, ब्रह्मपुत्र का चार्ट आप यहाँ पर देख लीजिएगा। ये सुबनसिरी जैसे यहाँ पर बह रही है और आपकी बाकी भी यहाँ पर मिल जाएंगी। ये देखिए लोहित है यहाँ पर, और यहाँ पर है बूढ़ी दिबांग, यहाँ पर देख सकते हैं आप। तो ऐसे आपको यहाँ पर मिल जाएगी, और हमने बता दिया यहाँ पर सही ऑप्शन क्या बनेगा आपका, सही ऑप्शन बनेगा आपका ए, यानी कि कामेंग, फिर आपकी धनसिरी, फिर सुबनसिरी, फिर लोहित। शेल गैस रिसोर्सेज जो है ये कहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं? तो ये आपको देखने को मिलते हैं कैम्बे में भी, कृष्णा में भी और कावेरी में भी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। यूपीएससी में भी इस तरह कोई क्वेश्चन आया था इस साल। अगला हमारा क्वेश्चन है, ये देखिए बेसिन दिखाए भी गए हैं, ये कृष्णा गोदावरी बेसिन में आपको मिलेगा, ये आपका नॉर्दर्न इंदुस बेसिन में भी, ये सब मैप से भी दिखाया गया हर चीज़। अगला है फेमस प्लेस को रीजन से मिलाना है यहाँ पर। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए हमको, ठीक है, बताइए कि कौन सा यहाँ पर सही मिलाया गया इन ऑप्शंस में से। अब बताना है कि सेंसस 2011 के हिसाब से करेक्ट सीक्वेंस में लगाना है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर साइज ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि जब सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जिसको है उसको पहले रखेंगे। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन यहाँ पर केरल में है, फिर आपका झारखंड में है, फिर आपका असम में है और फिर पंजाब में है, इस तरीके से अरेंज करेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर साइज ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। तो ये पूरा यहाँ पर डेटा दिया हुआ है सेंसस की ऑफिशियल लिस्ट से दिया हुआ, तो केरल, फिर झारखंड, फिर असम, फिर पंजाब। आगे हमारा क्वेश्चन है कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट इस स्टेट की इतनी है, आप बताइए कि हम किस स्टेट या यूटी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं गोवा के बारे में, ऑप्शन नंबर सी। ये लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल यहाँ पर पोजीशन दे रखी है गोवा की। आगे हमारा क्वेश्चन है, ये देखिए गोवा की पोजीशन यहाँ पर दिखाई गई, लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल, हर चीज़ यहाँ पर मैप से मिलेगी जिसे आप देख सकें पीडीएफ में। अगला है रेलवे जोन और उसका हेडक्वार्टर, उससे मिलाना है। तो नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, यानी कि आपका
ये ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर खाली सही मिलाया गया है, बाकी सब गलत मिलाए गए हैं। तो बाद में आ गया, देखते हैं हम लोग क्या यहाँ पर सही है। ये देखिए पूरी लिस्ट दी हुई है, नॉर्दर्न सेंट्रल नॉर्दर्न रेलवे का दिल्ली में है, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे का गोरखपुर में है, और आपका नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे का गुवाहाटी में है, ईस्टर्न रेलवे का कोलकाता में है। ये पूरी लिस्ट यहाँ पर दी हुई है। और साउथ कोस्ट रेलवे जो नया बना है लेटेस्ट में, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर, विशाखापट्टनम में। अभी यूपी ट्रिपल एससी का जो वनडे एग्जाम हुआ था उसमें चीज़ पूछी गई थी। अब बताना है कि ड्रेक पासेज जो है ये किन ओशियंस को कनेक्ट करता है। तो ये कनेक्ट करता है साउथ अटलांटिक ओशियन को और साउथ पैसिफिक ओशियन को, ऑप्शन नंबर बी। तो ये देखिए ये है ड्रेक पासेज, ये है आपका साउथ अटलांटिक और ये है आपका साउथ पैसिफिक, ठीक है, इसको ये कनेक्ट करता है ड्रेक पासेज। अगला क्वेश्चन है कि फॉलोइंग पेयर ऑफ लेक्स इज कनेक्टेड टू सू कनाल। तो सू कनाल से कनेक्टेड कौन है, लेक सुपीरियर और लेक हुरोन, ऑप्शन नंबर डी। ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का कोर क्वेश्चन है, तो लेक सू आप देख सकते हैं यहाँ पर है ये चीज़। अगला हमारा क्वेश्चन है कि आप यहाँ पर इंडस्ट्री और प्लेस से मिलाइए यहाँ पर, तो बी के हिसाब से मिलाएंगे। थ्री का ए होगा पेट्रोकेमिकल बोंगाईगोन में, सिरपुर यहाँ पर किसका काम करेगा, पेपर का, और पिंजोर में क्या काम होता है, मशीन टूल्स का, और कोरापुट में एयरक्राफ्ट का, ठीक है। तो ये हमारा सही है। अब वो पूरी डिटेलिंग दी हुई है कि कहाँ कहाँ क्या क्या यूनिट है, आप देख सकते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है कि जो आपके चार प्रयाग हैं वो कौन कौन से रिवर्स को मिलाएंगे। तो यहाँ पर सही है सी, यानी कि विष्णु प्रयाग में अलकनंदा और धौली गंगा, कर्ण प्रयाग में आपका मिलेगा अलकनंदा और पिंडार गंगा, रुद्र प्रयाग में आपका मिलेगा अलकनंदा और भागीरथी, और देव प्रयाग में आपकी अलकनंदा भागीरथी देव प्रयाग में, और रुद्र प्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी। देखिए यहाँ पर दिखाया भी गया है इस चीज़ को कि आपका रुद्र प्रयाग है ये, मंदाकिनी और पिंडार गंगा यहाँ पर मिली, भागीरथी और मतलब देव प्रयाग में मिली आपकी भागीरथी और ये अलकनंदा, मंदाकिनी और अलकनंदा ये मिली रुद्र प्रयाग में, कर्ण प्रयाग में मिली अलकनंदा पिंडार गंगा, ये सब ये पूरा यहाँ पर दिखाया गया है। अगला क्वेश्चन है कि वाटर बॉडी और ये स्ट्रेट जो है उससे मिलाइए, सही ऑप्शन क्या होगा। तो स्ट्रेट ऑफ हर्मूज ये कनेक्ट करेगा यहाँ पर गल्फ ऑफ पर्शिया को, बाबल मंदेब ये कनेक्ट करेगा आपका रेड सी को, स्ट्रेट ऑफ मलक्का ये कनेक्ट कर देगा आपका अंडमान सी को, और स्ट्रेट ऑफ सुंडा ये कनेक्ट कर देगा जावा सी को। इस तरीके से आप पिलाएंगे यहाँ पर। बढ़ा देते हैं आगे, यदि कोई मैप है तो आपको दिखा देते हैं, ये सबका यहाँ पर दिखाया गया है। ये आपका सुंडा स्ट्रेट ये जावा सी से कनेक्ट करता है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का ये कनेक्ट कर रहा है अंडमान सी से, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, स्ट्रेट ऑफ हर्मूज ये कनेक्ट कर रहा है आपका पर्शियन गल्फ से, ये स्ट्रेट ऑफ हर्मूज, और फिर आपका ये आप देखेंगे बाब अल मंदेब ये कनेक्ट कर रहा है आपका रेड सी से। अगला हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर कि अर्लियर नेम क्या है टोक्यो का। टोक्यो का अर्लियर नाम था इडो, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि आप मिलाइए यहाँ पर सिटी को अर्थक्वेक जोन से, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, यानी कि गुवाहाटी को हम रखेंगे अर्थक्वेक जोन 5 में, और कोलकाता को रखेंगे अर्थक्वेक जोन 3 में, चंडीगढ़ को रखेंगे अर्थक्वेक जोन 4 में, और भिलाई को रखेंगे अर्थक्वेक जोन 2 में, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर पूरा रखा गया है कि कौन कौन सा स्टेट जो है किस जोन में आएगा, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, आगे हमारा क्वेश्चन है, अच्छा ये और भी है। अब बताना है कि वेटलैंड अकॉर्डिंग टू देयर साइज इन एरिया, एरिया के साइज में वेटलैंड को लगाना है। तो यहाँ पर सबसे पहले रखेंगे हम लोग चिल्का को, फिर रखेंगे कोलेरू को, फिर आपकी भीतरकर्णिका को, फिर अष्टमुड़ी को, इस हिसाब से अरेंज करेंगे। अभी यहाँ पर साइज वगैरह सब दे रखा है इनका, कितने एरिया में फैला हुआ है, कौन सा वेटलैंड, तो ये पूरी लिस्टिंग है यहाँ पर। अब क्या मिलाना है, अब मिलाना है हमको आर्म्ड एक्सरसाइज हम किस कंट्री के साथ करते हैं, ठीक है। तो वरुण हम लोग किसके साथ करते हैं, नेवल एक्सरसाइज फ्रांस के साथ। हम लोग इंद्र किसके साथ करते हैं, रशिया के साथ। अभी इंद्र भी करते हैं रशिया के साथ। कॉरपैट हम लोग किसके साथ करते हैं, इंडोनेशिया के साथ। और संप्रीति करते हैं बांग्लादेश के साथ, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अच्छा ये पूरी डिटेलिंग दी हुई है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट,
ठीक है, एंड नेशनल वाटरवे 3 जो है ये कोलम से कोट्टपुरम तक स्ट्रेच होता है वेस्ट कोस्ट कैनाल पे। सादिया से धुबरी जो है ये नेशनल वाटरवे 2 जो है केवल असम में है। नेशनल वाटरवे 1 लॉन्गेस्ट है, कौन सा यहाँ पर करेक्ट है? करेक्ट है सी, तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर हमारे नेशनल वाटरवेज के बारे में करेक्ट हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये सब देखिए दिया हुआ है, नेशनल वाटरवे 1, नेशनल वाटरवे 2, नेशनल वाटरवे 3, सबकी डिटेलिंग यहाँ पर गिवेन है। मतलब अगर आप हमारी टेस्ट सीरीज दे रहे हैं तो आंसर की से ही काफ़ी सारी चीज़ें रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। अब हमको बताना है कि कृष्णा जो है रिवर क्या महाबलेश्वर से निकलती है, तुंगभद्रा एक मेजर ट्रिब्यूटरी है कावेरी की और ये वेस्टर्न घाट से निकलती है, गोदावरी त्र्यंबकेश्वर से प्लेट्यू से निकलती है नासिक से, कौन सा करेक्ट है? तो करेक्ट है फर्स्ट और थर्ड, ये करेक्ट है ये करेक्ट है। तो तुंगभद्रा वाला इसलिए इनकरेक्ट है क्योंकि तुंगभद्रा नदी भद्रा रिवर से निकलती है, ठीक है, और कृष्णा रिवर में मिल जाती है कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में तेलंगाना में, ठीक है। बाकी ये पूरी मेजर रिवर्स की लिस्टिंग दी हुई है, आप चाहें तो इसको देख सकते हैं, चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बढ़ते हैं हम लोग आगे। अब हमको लगाना है यहाँ पर जो ट्रिब्यूटरी हैं सहायक नदियाँ गंगा की, इनको ईस्ट से वेस्ट की तरफ लगाएंगे डी के हिसाब से। तो सबसे ईस्टर्न वाली रहेगी गोमती, फिर रहेगी आपकी घाघरा, फिर रहेगी सोन और फिर रहेगी गंडक, ठीक है। इस तरीके से इसको अरेंज करेंगे और पॉसिबली मैप भी होगा यहाँ पर, हाँ है बिल्कुल, आप देख सकते हैं। तो अगर आप देखें ये गोमती है और फिर आपकी ये गंडक है, ये आपकी कोसी है और इधर छोटी सी यहाँ पर घाघरा है कहीं, हाँ ये वाली घाघरा है। तो ये सारी नदियाँ हमको मिल गई यहाँ पर। एक्चुअली अगर हम देखें तो हम वेस्ट से ईस्ट की तरफ लगा रहे हैं कि सबसे वेस्टर्न में गोमती है, फिर यहाँ पर आपकी घाघरा है और फिर आपकी ये गंडक है और फिर सोन है, ठीक है, समझ रहे हैं। तो हम इसको एक्चुअली में वेस्ट से ईस्ट की तरफ लगा रहे हैं। तो हमको यहाँ पर लगाना है वेस्ट से ईस्ट की तरफ, ठीक है, तब जाके ये सही ऑर्डर बनेगा। अच्छा सॉरी, यहाँ पर मुझे ही कन्फ्यूज़न हो रही है, ये ईस्ट से वेस्ट लगाना है, जो सबसे ईस्टर्न में उसको पहले रखना है। तो आपको मैप में सबसे ईस्टर्न मिल गई, ये आप देखेंगे ये गोमती ईस्टर्न में है, नहीं चलिए इसको बाद में देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि IMF इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के बारे में बात करनी है कि स्टेबिलिटी जो है इंटरनेशनल मॉनिटरी सिस्टम की, इसको इंश्योर करने के लिए IMF का हेडक्वार्टर ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, मैक्सिमम कोटा जो SDR का है ये US का है और सबसे मिनिमम टुवालु मेंबर कंट्री का है, कौन सा करेक्ट है यहाँ पर? तो वन और थर्ड यहाँ पर करेक्ट है। एक्चुअली में जिनेवा का हेडक्वार्टर, मतलब ये IMF का हेडक्वार्टर वाशिंगटन में है, जिनेवा में नहीं है, बाकी सारे यहाँ पर करेक्ट हैं। ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस से ये चर्चा में आई है, मतलब ये अस्तित्व में आया है। बाकी इसका जो कोटा बताया दिया गया है कि कोटा रिलेटिव पोजीशन जो है वर्ल्ड इकोनॉमी पर उस पर डिपेंड करता है, वोटिंग शेयर्स जो हैं ये चेंज हो सकते हैं, जैसे उनका कोटा बढ़ेगा या घटेगा। इंडिया का कोटा जो है 2.76% है, 8वीं पोजीशन पर है, वोटिंग शेयर 2.64% है, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि अरेंज द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिवर्स ऑफ जम्मू कश्मीर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, हम नॉर्थ से साउथ की तरफ यहाँ पर लगाना है, सबसे नॉर्थ में उसको पहले। तो सबसे पहले शियोक रिवर आएगी, फिर आपकी आएगी पूंछ रिवर, फिर आएगी जस्कर और फिर आएगी आपकी, नहीं सबसे पहले आएगी आपकी, सबसे पहले शियोक रिवर रहेगी सबसे नॉर्थ में, फिर आपकी द्रास रिवर रहेगी, फिर आपकी रहेगी जस्कर, फिर पूंछ, इस तरीके से आपका बनेगा। तो ये देखिए यहाँ पर दिखाई गई हैं जम्मू कश्मीर की रिवर कौन सी कहाँ पर रहेगी, सबसे आखिर में पूंछ रहेगी, फिर आपकी सबसे पहले ऊपर रहेगी आपकी शियोक, फिर रहेगी द्रास, फिर रहेगी जस्कर, फिर रहेगी पूंछ। तो ये सबसे नॉर्थर्न में, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ऐसे बन गया आपका। आगे हमारा क्वेश्चन है कि वेस्टर्न घाट जो है महाराष्ट्र और केरल में ज़्यादा मानसून रिसीव करते हैं कर्नाटक की कंपैरिजन में, तो क्या कारण हो सकता है इसका? तो डिसकॉन्टिन्यूस टोपोग्राफी है इस वजह से, सही है, और शॉर्टर विड्थ मिलती है माउंटेन्स की वेस्टर्न घाट्स की कर्नाटक में, ये भी सही है। केरल और महाराष्ट्र के माउंटेन्स में जेंटल स्लॉप्स हैं, ये भी सही है। तो सी यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट है कि महाराष्ट्र और केरल को ज़्यादा रेनफॉल मिलता है मानसून से एज कम्पेयर टू कर्नाटक। आगे हमारा क्वेश्चन है किन कथनों पर विचार करना है, ये मानसून के बारे में है और प्लेन्स के बारे में है,
वैसे कोस्टल प्लेन्स के बारे में, तो यहाँ पर कौन सा सही है ये बताना है। तो 1, 2, 3 यहाँ पर सही है, नैरो बेल्ट है और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है ये कंपेरेटिवली लेस रेनफॉल रिसीव करती है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के कंपैरिजन में, ये भी सही है। अब वेस्ट कोस्टल प्लेन जो है इनफर्टाइल है और एग्रीकल्चरली नॉट प्रॉस्परस है मलाबार कोस्ट के कंपैरिजन में। और चौथा दिया हुआ है कि इमरजेंट कोस्टल प्लेन का एग्जाम्पल है। तो इसमें लिखा है कि पहले तीन फीचर जो है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के प्रोमिनेंट फीचर्स हैं। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है ये सबमर्ज्ड कोस्टल प्लेन का एग्जाम्पल है, इमरजेंट का नहीं, इस वजह से फोर्थ वाला रॉन्ग है। यहाँ पर इमरजेंट की जगह होना चाहिए सबमर्ज्ड। आगे हमारा क्वेश्चन है कि द प्रोपोर्शन ऑफ नाइट्रोजन इज जनरली लो वेयर एज द प्रोपोर्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड एंड लाइम वेरी विद इन अ वाइड रेंज, देयर दे आर इमेच्योर एंड हैव वीक प्रोफाइल्स ड्यू टू देयर रीसेंट ओरिजिन, द सॉइल इज पोरस बिकॉज ऑफ इट्स लोमी इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ सैंड एंड क्ले नेचर। अभी जो फीचर्स हैं हम किस सॉइल के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम लोग बात कर रहे हैं एलुवियल सॉइल के बारे में, ऑप्शन नंबर बी। बाकी एलुवियल सॉइल के करेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है कि आप वार्म वाटर ओशियन करेंट्स जो हैं इनमें से किसे किसे मानेंगे। तो जो क्रोशियो है ये वार्म करेंट है और आपका ईस्ट ऑस्ट्रेलिया करेंट ये भी वार्म करेंट है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट है। तो क्रोशियो के बारे में अब लिखा है थोड़ा सा, अब ओशियो के बारे में लिखा है, पेरू के बारे में लिखा है, ये सब। आगे हमारा क्वेश्चन है कि मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, ठीक है, लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को मिलाना है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही जाएगा सी, यानी कि आप आमने सामने मिला दीजिए। गद्दी ये नोमैडिक ट्राइब है हिमाचल प्रदेश की, पाट आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगे, लेटराइटिक कैप्ड टॉप्स में, कंकर आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगे, ये सॉइल जो है ये कैलकेरियस डिपॉजिट्स की ये सॉइल है, करेवास क्या है ये थिक डिपॉजिट जो है ग्लेशियल क्ले का, ठीक है, एम्बेडेड विद मोराइन्स, तो इस हिसाब से आप मिलाएंगे। तो ये है हमारा, आगे हमारा क्वेश्चन है कि मैक्सिमम डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमेटिक रीजन्स इन इंडिया। तो सबसे ज़्यादा क्लाइमेटिक रीजन्स मैक्सिमम टाइप किसके पास है, महाराष्ट्र के पास, डी। महाराष्ट्र में कौन कौन से जलवायु पाए जाते हैं, अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय, वेट उष्णकटिबंधीय, मॉइस्ट उप उष्णकटिबंधीय, मॉइस्ट और शुष्क। अगला क्वेश्चन है मैंगनीज के बारे में बताइए कि कौन सा यहाँ पर करेक्ट हो सकता है। तो मैंगनीज के बारे में करेक्ट है आपका 2, 3, 4 यहाँ पर, ठीक है। पहला इनकरेक्ट है क्योंकि ये कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है आयरन के साथ, बाकी ये रस्ट और कोरोजन को प्रिवेंट करने के लिए स्टील इंडस्ट्री में यूज़ होता है, और सिल्वर ग्रे मेटल है, आयरन जैसा दिखता है, ब्रिटल होता है, डिफिकल्ट टू फ्यूज़, ये भी सही है। ब्लीचिंग पाउडर, इंसेक्टिसाइड्स और पेंट और बैटरी इंडस्ट्री में काम आता है, ये भी सही है। बाकी यहाँ पर डिटेलिंग दी हुई है कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश जो है सबसे ज़्यादा इसको जो है प्रोड्यूस करते हैं, मतलब यहाँ पर रिजर्व है इनके। अगला क्वेश्चन है कि आप बताइए कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कोरियोलिस फोर्स क्या पोल्स पर जीरो होता है, ये गलत है यहाँ पर, ठीक है, और बाकी ये सही है तीनों स्टेटमेंट। कोरियोलिस फोर्स 5 डिग्री लेटीट्यूड पर सिग्निफिकेंट होता है, कि इतना सिग्निफिकेंट कि एक स्टॉर्म क्रिएट कर दे। फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स जैसे एरोप्लेन ये कोरियोलिस फोर्स से इन्फ्लुएंस होते हैं, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही है, 2, 3, 4 फर्स्ट इनकरेक्ट है। अगला क्वेश्चन है हमारा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, 78वां बताना है। मिस्ट्रल और लू, सिरोको, हरमटन, ये सब जो है आपके सीजनल विंड्स हैं इसके बारे में बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है, 1 और 3। मिस्ट्रल जो है सेंट्रल फ्रांस से लेकर आप्स तक मेडिटेरेनियन फ्लो होती है, सिरोको जो है सदरली नॉर्थ अफ्रीका से सदर्न यूरोप तक फ्लो होती है, बाकी लू जो है ये साउथ इंडिया में नहीं फ्लो होती, इस वजह से गलत। और हरमटन जो है ये आपका जो है फ्लो होता है कहाँ पर, सेंट्रल सहारा डेजर्ट में, ठीक है, ना कि अमेरिका में। आगे हमारा क्वेश्चन है कि डेजर्ट सॉइल के बारे में क्या इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर ए इनकरेक्ट है, 1, 2, 4, ठीक है, 1, 2, 4 इनकरेक्ट है। फॉस्फेट और नाइट्रेट कंटेंट मिलता है, ये सही है। अब मैच करनी है जो वल्नरेबल ट्राइब्स हैं और कहाँ कहाँ पर देखने को मिलती हैं उनसे, तो मैच करना है यहाँ पर। तो हम मिलाएंगे इसको ऑप्शन नंबर डी के हिसाब से,
टोडा आपको ड्राइव ये वल्नरेबल कहाँ की मिलेगी, तमिलनाडु में। जरावा आपको कहाँ पर मिलेगी, ये मिलेगी अंडमान निकोबार में। मिशमी कहाँ पर मिलेगी, अरुणाचल प्रदेश में। और बिरहोर कहाँ पर मिलेगी, झारखंड में। अगला हमारा क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, रिवॉल्यूशन और प्रोडक्ट। ये बहुत आता है स्टेट पीसीएस का फेवरेट क्वेश्चन में से एक है, तो इसको मिलाएंगे इस तरीके से। ब्लू रिवॉल्यूशन मतलब फिश प्रोडक्शन, सिल्वर रिवॉल्यूशन यानी कि एग प्रोडक्शन, राउंड रिवॉल्यूशन यानी पोटैटो प्रोडक्शन, और गोल्ड रिवॉल्यूशन यानी कि जूट प्रोडक्शन। और यहाँ पर देखिए दिया भी हुआ है पूरी लिस्टिंग हमारे सभी मेंबर्स को, तो ये लिस्टिंग दी हुई है, आप चाहें तो इससे ले सकते हैं हमारा मैटर, मतलब इसको क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डैम को रिवर से मिलाना है, कौन सा डैम जो है किस रिवर पर बना हुआ है, मतलब करेक्टली मैच्ड कौन सा है। तो इंदिरा सागर डैम नर्मदा पर, भाखड़ा नंगल सतलज पर, गोविंद वल्लभ पंत सागर डैम रिहंद पर, ये सही है। तहरी डैम जो है टिहरी, ये अलकनंदा नहीं है, हाईएस्ट डैम है इंडिया का, और ये भागीरथी पर है, अलकनंदा पर नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड आर नॉट सूटेबल फॉर सॉइल कंजर्वेशन इन हिली रीजन। हिली रीजन में सॉइल कंजर्वेशन के लिए आपका कौन सा मेथड सही नहीं है, तो जो आपका शिफ्टिंग कल्टीवेशन है ये सही रही है, ठीक है। बाकी कंटूर प्लफिंग सही है, और टेरेसिंग ऑन कंटूर बंडिंग ये भी सही है। अगला है खरीफ क्रॉप्स को यहाँ पर पहचानी है, तो खरीफ क्रॉप्स है यहाँ पर आपकी राइस, आपकी सोरघम है, आपकी कॉर्न है, और कॉटन है। 1, 2, 4, 5 चना जो है ये रबी की फसल है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि आप यहाँ पर जब हम प्लेन्स में यानी कि मैदान में इंटर करते हैं, मतलब मैदान में हिमालयन रिवर जब इंटर करती हैं, तो किस टाइप का पैटर्न बनाती हैं, तो ये बनाती हैं ब्रेडेड चैनल्स, फ्लैट वैलीज और ऑक्सबो वैलीज, तो तीनों ही तरह की यहाँ पर फीचर्स बनाती हैं, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि इट इज़ अ प्लूटन ऑफ इग्नियस रॉक पैरेलल टू द बेडिंग प्लेन और फोलिएशन ऑफ फोल्डेड कंट्री रॉक, एंड इट इज टिपिकली लेंस शेप्ड प्लूटन दैट ऑक्यूपाइज आइदर द क्रेस्ट ऑफ एन एंटीक्लिनाइन और द ट्रफ ऑफ द सिंक्लाइन। तो ये बड़ा लंबा सा क्वेश्चन फिजिकल ज्योग्राफी का है, ये फीचर, ये मतलब क्या चीज़ है, ये फैकोलिथ है, ठीक है। तो प्लूटन है इग्नियस रॉक का फैकोलिथ, ऑप्शन नंबर सी। तो अब देखिए ये दिखा भी दिया है ये पूरा स्ट्रक्चर फैकोलिथ का। अगला हमारा क्वेश्चन है कि आप इंटरनेशनल डेट लाइन जो है ये किस स्ट्रेट के नियरेस्ट पड़ेगी, तो बेरिंग स्ट्रेट के नियरेस्ट है इंटरनेशनल डेट लाइन सी। ये देखिए ये बेरिंग स्ट्रेट है, ये इंटरनेशनल डेट लाइन के नियरेस्ट है। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज विच हैज़ द हाइएस्ट कंसनट्रेशन इन द एटमोसफेयर। हाइएस्ट कंसनट्रेशन किसका है, CO2 का है, ठीक है। मतलब है तो नाइट्रोजन का, लेकिन फिर नाइट्रोजन गिवन नहीं, तो CO2 का है। अगला है बुद्ध की लाइफ के जो इवेंट है वो कहाँ कहाँ पर हुए हैं, जैसे महापरिनिर्वाण आपका कुशीनगर में, पहला सरमन सारनाथ में, बर्थ लुम्बिनी में, और इनलाइटमेंट बोधगया में, ठीक है। आगे हमारा क्वेश्चन है कि लखुदियार केव्स जो है ये हिमाचल प्रदेश में है, दुंगेश्वरी केव ये बिहार में है, खंड गिरी केव जो ओडिशा में है, बताइए करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। सेकंड और थर्ड यहाँ पर करेक्ट है, लखुदियार ये कहाँ पर है, उत्तराखंड में, ठीक है। जैन धर्म में जो तीर्थंकर हुए हैं उनको जो है लगाना है अर्लीएस्ट से, ठीक है, जो सबसे पहले रहे उनको पहले रखना है। सबसे पहले रहे हैं ऋषभनाथ, फिर रहे हैं नेमिननाथ, फिर पारसनाथ, और फिर महावीर, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जाएगा। आगे हमारा क्वेश्चन है, और ये पूरी लिस्टिंग भी दी हुई है विकी की कि कौन से कहाँ पर रहे हैं, सबसे पुराना यहाँ पर कौन सा, सबसे अर्लीएस्ट है कन्हेरी की गुफाएं, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और फिर आगे हमारा क्वेश्चन है कि स्टेटमेंट पर विचार करिए कि शाहजहां ने इन्हें क्राउन प्रिंस बना दिया था, 50 उपनिषदों को संस्कृत से फारसी में ट्रांसलेट किया, लोगों के प्रति इनका झुकाव को देखते हुए इनको अकबर ए सैनी कहा जाता था, सेकंड अकबर। तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, दारा शिकोह के बारे में, ऑप्शन नंबर सी। अगला हमारा क्वेश्चन है
कि आप 94 नंबर बता दीजिए कि कौन सी डायनेस्टी जो है उनके फाउंडर के साथ सही नहीं मिलाई गई है। तो खिलजी वंश के संस्थापक हैं यहाँ पर जलालुद्दीन खिलजी, ये सही है। तुगलक वंश के शासक मतलब संस्थापक मोहम्मद बिन तुगलक नहीं है, गियासुद्दीन तुगलक हैं। सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खान है, स्लेव के कुतुबुद्दीन है, बाकी सही है। तो इसमें जो है बी नहीं सही मिलाया गया है खाली। आगे हमारा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर लैंड लॉक्ड इन साउथ अमेरिका। लैंड लॉक्ड साउथ अमेरिका में कौन सी है, वन और टू, बोलीविया और पराग्वे। बोलीविया और पराग्वे, तो ये आप अमेरिका का मैप देख सकते हैं यहाँ पर, बोलीविया जो है और पराग्वे, ये पराग्वे लैंड लॉक्ड है और बोलीविया। अगला क्वेश्चन है रिंग ऑफ फायर जो है किसको टच नहीं करता है, तो ऑस्ट्रेलिया को टच नहीं करता है। तो यहाँ पर मैप भी होगा, देखिए रिंग ऑफ फायर, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया कहीं नहीं है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रैवल विल लीड टू चेंज ऑफ डेट इन रिवर्स ऑर्डर। तो टोक्यो से सैन फ्रांसिस्को जाएंगे आप तो रिवर्स ऑर्डर में डेट चेंज होगी, ऑप्शन नंबर बी, टोक्यो टू सैन फ्रांसिस्को, पैसिफिक ओशन से अगर जाएंगे तो। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ब्लैक सागर मतलब ब्लैक सी से कौन सा कंट्री सराउंड नहीं है, तो ईरान जो है ये ब्लैक सी से बाउंड्री नहीं बनाता है, ये ब्लैक सी दिखाई गई है यहाँ पर, कहीं भी ईरान नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि 38 डिग्री पैरेलल लाइन किन दो कंट्रीज के बीच है, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच, ये देखिए, ये देखो। अगला क्वेश्चन है कि न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप्स एनएसजी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर आपका करेक्ट है, पहला करेक्ट है यहाँ पर, तीसरा करेक्ट है और चौथा करेक्ट है, सेकंड ये इनकरेक्ट है, इंडिया सिग्नेटरी एनएसजी का नहीं है। वहाँ की डिटेलिंग लिखी हुई है आपके एनएसजी के बारे में, ये सब यहाँ पर आपकी डिटेलिंग लिखी हुई है। मेंबरशिप जो है 38 सप्लायर स्टेट्स, फर्स्ट एनएसजी की मीटिंग 1975 लंदन में, ठीक है, ये एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, गाइडलाइंस इसकी बाइंडिंग नहीं है। तो आप हमारा ये ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में पेड टेस्ट सीरीज मिल सकती है, बेस्ट इन द मार्केट टेस्ट सीरीज है पूरी। और अच्छा ये क्वेश्चन और है, 102 नंबर तक है। अब चाइना पाकिस्तान मेंबर नहीं है ऑस्ट्रेलिया ग्रुप के, वहीं इंडिया है। ऑर्गेनाइजेशन जो है केमिकल वीपन्स के प्रोहिबिशन के लिए काम करते हैं, और ये इसको 2013 में नोबेल पुरस्कार मिला है इस ऑर्गेनाइजेशन को। ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक जो है ये पब्लिश की जाती है यूनेप के द्वारा, और MTCR जो है इसको जो है G7 कंट्रीज ने स्टैब्लिश किया है। कौन से स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हैं, 1, 2, 3, 4, चारों ही स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। तो ये सारे स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हैं। तो आप हमारा पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं, ये नंबर है, आप इस पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं।